हे एवरीवन, आज का हमारा रेसिपी है बहुत ही धमाकेदार समर स्पेशल मटका कुल्फी। इसके लिए आपको बस 2-3 मिनट की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिखने में जैसा दिख रहा है ना, एकदम मलाईदार, एकदम परफेक्ट। देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ना इसका टेक्स्चर। और आप कोई भी ब्रांड का कुल्फी इसे खाने के बाद ना भूल जाएंगे आप, मैं इसे पक्का दावा देती हूँ। और आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें ना घंटों दूध उबाल के उसको गाढ़ा करने की ना टेंशन होती है, ना उसको कैसे थिक बनाएं, कैसे टेस्टी बनाएं, नो वरीज। एंड और इतने आसानी तरीके से हम बनाएंगे कि आप कोई भी बना सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। पहले हम एक ग्राइंडर का जार लेते हैं, उसमें 12 टू 10 पीसेस आप कैशू नट यानी कि काजू ले लें। उसके बाद 1/2 कप शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर ले सकते हैं, आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे 3 पीसेस ऑफ कार्डमम यानी कि इलायची, आप अगर इलायची पाउडर भी रखे हो तो इसे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद उसे साइड में रखिए। अब लेते हैं हम 4 स्लाइसेस ब्रेड और इसे हम कट करके उसमें डालेंगे और साइड सब अच्छे से काट दीजिए। ब्रेड एक्चुअली हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो मार्केट में हम जैसे मलाईदार एकदम कुल्फी देखते हैं, उसमें एकदम दाना दाना जो फील होता है ना, और ऊपर से वो जो टेक्स्चर होता है काफ़ी थिक हो जाता है और एकदम परफेक्ट लगता है। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको एकदम मुँह में जैसे पूरा थिकी थिकी कंसिस्टेंसी आएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको साइड्स कट कर लेना है और ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में उसे कट करके साइड में रख दीजिए। इसके बाद देखते हैं कि ग्राइंडिंग जार में हमने जो ग्राइंड कर दिया है तो पूरा कैसे दिख रहा है। देखिए अभी पूरा पाउडर फॉर्म में है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है, ट्रस्ट मी। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ऐड करते हैं 2 कप फुल फैट मिल्क, जो कि आपको बस थोड़ा सा उबालना है और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद उसे ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट हम इसमें डालते हैं जो फुल फैट मिल्क होता है उसका क्रीम। मैं इसको पूरा घर में बनाई हूँ, आप अगर चाहें तो उसे बाहर से भी बाजार से खरीद के ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डालती हूँ मैं केसर मिल्क, जो कि मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क के साथ केसर को ऐड करके रखा हुआ था। वो जब गर्म दूध होता है ना, उससे केसर ऐड कर देंगे तो आपका ऐसा कलर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी दिखता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पसंद हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम जो हम कट पीसेस रखे थे ब्रेड के, ब्रेड को सारा ऐड कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, जो हम बाज़ार में मिलता है ना कि मिठाई मेट और जैसे ब्रांड्स के मिलते हैं कंडेंस्ड मिल्क, आप इसे ऐड कर दीजिए ताकि ये जो कंसिस्टेंसी है और भी थोड़ा थिक हो जाए और खाने में भी बहुत अच्छा लगे। अभी थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देती हूँ मैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसे अच्छे से अभी ग्राइंड कर देंगे, पूरा अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि इसका कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा पाऊँ। चलते हैं। ओ वाव, आप इसका कंसिस्टेंसी तो देखिए, ये कितना मलाईदार और कितना टेस्टी एंड यमी दिख रहा है। तो आप इसे अभी उसका ऊपर कवर कर दीजिए, एक एल्युमिनियम फॉइल लीजिए और उसको अपर से कवर कर दीजिए। आप कवर नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आइस क्रिस्टल्स बनते जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी इसे प्लास्टिक की एक रबर से उसे टाइट से उसको साइड से सील कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना। अभी इसको ले चलते हैं रेफ्रिजरेटर में रखेंगे फॉर 6 to 7 आवर्स। आप चाहे तो आपके रेफ्रिजरेटर के जितना कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आप रख सकते हैं। देखिए इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ये अभी अभी रेफ्रिजरेटर से आया है और कितना यमी दिख रहा है। मैं आपको बस यहाँ पे दिखा ही सकती हूँ, क्योंकि टेस्ट करने का आपको मौका तभी मिलेगा जब भी आप ट्राई करें। ये 2-3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेता है और खाने में बहुत ही यमी होता है, मैं दावा देके बोल सकती हूँ। ये आप कोई भी बना सकते हैं, सो आप भी ज़रूर ट्राई करें। समझ में घर पे सबको मलाई पसंद है और आप ये कुल्लड़ में, मटका में, प्लास्टिक वॉट एवर यू हैव, अगर आपके पास कटोरी है तो कटोरी में भी रखिए और उसे बनाइए। आपको जो पसंद है वैसे करिए,
उसके ऊपर थोड़ा सा कैश्यू नट्स दे दीजिए, थोड़ा सा चेरी डाल दीजिए, अभी केसर डाल दीजिए और इसको देखिए अभी ये पूरा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। आप ज़रूर खाएं और ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। If you like our recipe, please subscribe to our channel, hit the like button and share with your family and friends. Thank you for watching.